हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में। मैं राजकुमार सामान्य विज्ञान विषय के एक अच्छे से सेगमेंट के साथ, जो कि सुपर टेट की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, सुपर टेट की कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं और आपको सुपर टेट की कक्षाओं से जुड़ने के लिए हमें व्हाट्सअप करना होगा एंट्री एस्टेट या एंट्री सुपर टेट लिख करके 9125423936 पर। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले सुपर टेट की मैंने आपको एक या दो क्लासेस दी थी, जिसमें से आप सभी की प्रतिक्रियाएं बहुत ही शानदार रही। आज देखिए, सुपर टेट के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए एक ऐसा सेगमेंट, एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और पिछली बार 2018 शिक्षक भर्ती की परीक्षा में यहां से प्रश्न आ भी चुका था, जिसका नाम है पोषण। स्वास्थ्य एवं पोषण से क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सुपर टेट यानी शिक्षक भर्ती की परीक्षा के लिए पोषण। पोषण है क्या, इसकी आवश्यकता हमें क्यों होती है, या कि पोषण कितने प्रकार का होता है मानव के लिए। तो आज की क्लास पूरी तरह से शिक्षक भर्ती यानी कि सुपर टेट के लिए है। तो दोस्तों, हम शुरू करेंगे कि पोषण क्या होता है, या किस प्रकार से हमें अपनी जैविक क्रियाओं को संचालित करने के लिए पोषक पदार्थ आवश्यक होते हैं। देखिए, सुबह से लेकर के शाम तक हमारे कुछ शरीर में जो एक्सटर्नल ऑर्गेन है वो दिन भर कार्य करते हैं। जैसे अगर हम बात करें हमारे हाथ पैर या फिर और भी एक्सटर्नल ऑर्गेन की, ये हमेशा कार्य करते रहते हैं। इन सब के साथ हमारे शरीर के अंदर कुछ बायोलॉजिकल मैकेनिज्म जैसे कि जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। अगर जैविक क्रियाओं की बात की जाए तो दोस्तों, जैसे पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया, रक्त परिसंचरण क्रिया, वृद्धि और विकास की क्रिया या आनुवंशिक क्रियाएं, इन सभी क्रियाओं को, सभी वृद्धियों को सही ढंग से चलाने के लिए, सही ढंग से संचालित करने के लिए हमें कुछ पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। ठीक, देखिए, अगर हमारा पोषण सही है तो शरीर स्वस्थ रहेगा और शारीरिक क्रियाएं अच्छे से संपन्न होंगी, और यदि हमारा पोषण सही नहीं होगा तो शारीरिक क्रियाएं सही संपन्न नहीं हो पाएगी, हमारे शरीर की कार्य क्षमता घट जाएगी, शरीर के अंग काम करना बंद कर देंगे, हम बीमार पड़ जाएंगे। तो पोषण क्यों जरूरी है? शरीर की सभी जैविक क्रियाओं को सही ढंग से संचालित करने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थों की मात्रा या खाद्य पदार्थों का उपभोग या खाद्य पदार्थों का अधिग्रहण क्या होता है? पोषण कहलाता है। मुख्य रूप से अगर पोषण की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, जल, ये सब पोषण में ही आते हैं। लेकिन हम इनको किस प्रकार से कैटेगरी में डिवाइड करेंगे? दोस्तों, आइए हम क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा पोषण क्या है और शिक्षक भर्ती में यहां से किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द क्लास। पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन तो पोषण है क्या? हम कह सकते हैं कि शरीर की सभी जैविक क्रियाओं को सही ढंग से संचालित करने के लिए, सही ढंग से क्रियान्वित करने के लिए खाद्य पदार्थों का अधिग्रहण ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। ठीक, देखिए, अगर हम बात करें मानव पोषण की, तो हमें दैनिक ऊर्जा का 60-70% ऊर्जा का जो स्रोत है कार्बोहाइड्रेट है। हमारे वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन की अहम भूमिका होती है। शरीर में सभी उपापचयी क्रियाओं को यानी शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए हमको विटामिन, जल और खनिज पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो इन सभी के आधार पर पोषण को हमने कई भागों में विभाजित किया है। अगर पोषण की बात करें तो पौधों का पोषण अलग होता है। क्यों? क्योंकि पौधे स्वपोषी होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जल और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, तो पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी। लेकिन हम सभी लोग उन्हीं पेड़ पौधों से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपना पोषण प्राप्त करते हैं, तो हम लोग होते हैं परपोषी। तो इन सभी के आधार पर पोषण को कुछ भागों में बांटा गया है। इस पोषण की क्लास को शुरू करने से पहले मैं एक दो प्रश्नों के साथ चर्चाएं आपसे करूंगा,
और हम एक ऑप्शन लेंगे और उन्हीं ऑप्शन के आधार पर प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए कुछ प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो बिल्कुल संभावित हैं शिक्षक भर्ती की परीक्षा में, तो पहले हम दो तीन प्रश्न को देखते हैं, उसके बाद उसी आधार पर क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में निम्नलिखित पोषक पदार्थों में सर्वाधिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? सर्वाधिक ऊर्जा का स्रोत कौन है? अगर हम इसके ऑप्शन की चर्चा करें आपसे, तो देखिए जो हमारा उत्तर है, ये उत्तर नंबर एक है कार्बोहाइड्रेट। उत्तर नंबर एक हमारा कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। उत्तर नंबर बी हमारा वसा और सी है प्रोटीन और डी है विटामिन। आपके प्रश्न के आधार पर यहां मैंने कुछ आंसर लिखे हुए हैं। तो पहला जो हमारा जो आंसर है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वसा, तीसरा प्रोटीन और चौथा क्या है? विटामिन। क्वेश्चंस क्या कह रहा है? निम्नलिखित पोषक पदार्थों में सर्वाधिक ऊर्जा का स्रोत क्या है, यानी सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है, यह आपका प्रश्न है। दिए गए ऑप्शन के अनुसार सबसे अधिक ऊर्जा का स्रोत इसमें से कौन है? तो आइए देखते हैं, यह प्रश्न दो तरह से बन सकता है। अब मैं दोनों तरह से बनने वाले प्रश्नों की चर्चा आपसे मैं करूंगा। देखिए पहला जो हमारा ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अणु से हमको 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वहीं अगर बात करें हम कार्बोहाइड्रेट के परिप्रेक्ष्य में वसा की, तो 1 ग्राम वसा के अणु से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वहीं अगर हम देखें प्रोटीन से कि प्रोटीन से कितनी ऊर्जा मिलती है, तो प्रोटीन के 1 ग्राम अणु से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और वहीं अगर बात करें विटामिन से, तो विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती, बल्कि ये हमारे मेटाबॉलिक मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है, उपापचयी क्रियाओं को कंट्रोल करता है। अब आप सोचेंगे कि उपापचयी क्रियाएं क्या होती है? देखिए हमारे शरीर की सभी जैविक क्रियाओं को हम कहते हैं उपापचयी क्रियाएं, जैसे वृद्धि और विकास, पाचन, श्वसन, रक्त परिसंचरण, ये सभी क्रियाएं क्या होती है? ये सभी क्रियाएं होती हैं मेटाबॉलिक मैकेनिज्म। ठीक, तो अब देखिए आपको इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो चुका होगा कि इसमें सही उत्तर क्या है, निम्नलिखित पोषक पदार्थों में सर्वाधिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत ही सही उत्तर चुना है, यानी जो इसमें ऑप्शन राइट होगा वो क्या होगा? फैट। अगर हम 1 ग्राम की बात करें तो क्या होता है? फैट होता है, वसा होती है। अब देखिए हम इसी इन्हीं उत्तर पर हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को चेंज करेंगे, क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे इन्हीं उत्तरों पर, देखते हैं कि सही आंसर क्या होता है। अगर प्रश्नों को चेंज करें तो हमारा अगला प्रश्न है, सर्वाधिक दैनिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? हमारा जो प्रश्न है इन्हीं ऑप्शंस पर, सर्वाधिक दैनिक ऊर्जा का स्रोत क्या है, ऑप्शन वही रहेगा आपका, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन। यानी कि रोज की दैनिक क्रियाओं के लिए हमें सबसे अधिक ऊर्जा इनमें से कौन देता है, किससे हमको सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है? ठीक, तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद वसा, उसके बाद प्रोटीन और फिर है विटामिन। तो सबसे अधिक ऊर्जा दैनिक आवश्यकता के रूप में हमें किससे प्राप्त होती है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है,
ध्यान देना, कार्बोहाइड्रेट से हमको लगभग 60 से लेकर के 70% ऊर्जा प्रतिदिन प्राप्त हो जाती है। यही तो आपका सही उत्तर है। और बात करें अगर वसा से, तो कार्बोहाइड्रेट के बाद वसा, वसा के बाद क्या होता है? प्रोटीन, क्योंकि हमारे यकृत में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट में बदलता है, उसके बाद हमको ऊर्जा देता है। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि वसा जटिल अवस्था में रहता है, तुरंत घुलनशील नहीं होता, वसा से हमको बहुत देर से ऊर्जा मिलती है। ठीक, आप देखें, फिर बात करें इसी उत्तर पर, एक और हम लोग प्रश्न करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से सर्वाधिक, या निम्न में से सोर्स ऑफ क्विक एनर्जी, तुरंत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तुरंत ऊर्जा का स्रोत क्या है? यानी पूछ रहा है कि सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी, क्विक एनर्जी का स्रोत क्या है? इनमें से क्वेश्चन दिया हुआ है, जो ऑप्शन दिया हुआ है आपका, पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वसा, तीसरा प्रोटीन और चौथा विटामिन। देख लीजिए, ऐसे ही प्रश्न बन सकते हैं, यानी कि कंफ्यूज करने के लिए प्रश्नों की प्रवृत्ति को लगातार इस तरह से पूछा गया है, और आगे भी बन सकते हैं क्वेश्चन ऐसे ही। तो पहला क्या है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से तुरंत ऊर्जा का स्रोत क्या है? पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वसा, फिर प्रोटीन, उसके बाद विटामिन। तो अगर हम बात करें यहां दिए गए ऑप्शन पर, तो पहला क्या है? कार्बोहाइड्रेट। इस बात का ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट तीन प्रकार का होता है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, जिसमें कि मोनोसैकेराइड ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो तुरंत कोशिकाओं में घुल जाता है और ऊर्जा का उत्पादन कर देता है। जब कोई खिलाड़ी, जब कोई व्यक्ति थका होता है, तो तुरंत ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का सेवन करता है। तो ऐसे में कार्बोहाइड्रेट क्या होगा? तुरंत ऊर्जा का स्रोत बन जाएगा। ठीक, अब देखें, इन्हीं उत्तरों पर हमारा एक प्रश्न और बनकर के आ रहा है। वो प्रश्न क्या है? शरीर में वृद्धि विकास के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ कौन है? देखिए, इन्हीं उत्तरों पर एक प्रश्न हमारा और बन चुका है कि शरीर में वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ क्या है? तो क्या कार्बोहाइड्रेट से वृद्धि विकास होता है, या वसा से वृद्धि विकास होता है, प्रोटीन या विटामिन से होता है, किससे होता है? तो ध्यान देना, वसा और कार्बोहाइड्रेट ये दोनों ऊर्जा उत्पादक है, यानी इनसे हमें एनर्जी मिलती है। तो दोनों क्या है? ऊर्जा उत्पादक है। अगर यही बात कर ली जाए, अगला प्रोटीन, तो ध्यान देना, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन वृद्धि नियंत्रक है। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन वृद्धि नियंत्रक है। अगर यही बात कर ले हम विटामिन की, तो विटामिन क्या होता है दोस्तों? विटामिन होता है उपापचय नियंत्रक, यानी शरीर की सभी जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला क्या होता है? यह होता है विटामिन। तो अभी आपको उत्तर इसका आसानी से प्राप्त हो चुका होगा। वो आंसर क्या है? वो आंसर है प्रोटीन, यानी कि वृद्धि नियंत्रक क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपकी परीक्षाओं में। ध्यान देना, पोषण बिल्कुल आपके सामने है, ऊर्जा उत्पादक, वृद्धि नियंत्रक और उपापचयी नियंत्रक। तो आज का हमारा विषय क्या रहेगा? आज का हमारा विषय है ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, या ऊर्जा उत्पादक पोषण क्या क्या होता है। दोस्तों, चुनौती के साथ मैं इसको बहुत ही आसानी से आपको याद करवा दूंगा। देखिए, अगर बात करें पोषण की, तो हमारे भारत में पोषण बहुत कम लोगों का सही होता है। यहां कुपोषण की मात्रा क्या होती? ज्यादा होती है। कुपोषण भी दो प्रकार का होता है। एक होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत दुबला पतला है, उसकी आंखें बाहर की ओर निकली हुई है और शरीर बहुत पतला है, पेट बाहर निकला हुआ है, उसको भी हम कहते हैं कुपोषण।
वह भी कुपोषित है, और एक व्यक्ति जिसका पेट बहुत भारी निकला हुआ है और इतना इतना खाना खाता है वह भी क्या है, कुपोषित है। भाई पेट निकला हुआ है, चलने फिरने में असमर्थ, चल फिर नहीं पाता है, ठीक है, तो वह भी क्या है, वह भी कुपोषित है। तो हम कह सकते हैं कि एक जो दुबला पतला है वो खाए बिना मर रहा है, ठीक, और जो मोटा सा है चल नहीं पा रहा है वो खा खा कर मर रहा है। तो दोनों का पोषण सही नहीं है, ठीक। पोषण का सही अर्थ होता है कि शरीर की सभी जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, शरीर के अंगों के अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस के लिए खाद्य पदार्थों का उपभोग, सही मात्रा में खाद्य पदार्थों का उपभोग पोषण कहलाता है। यह होता है एक्चुअल में पोषण। अब देखिए, अगर पोषण हमें पढ़ना है तो मैंने आपसे बोला कि आज का विषय हमारा क्या होगा, ऊर्जा उत्पादक पोषण। तो हम देखते हैं कि ऊर्जा उत्पादक पोषण कौन कौन से होते हैं दोस्तों, और इनसे किस प्रकार से ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं। देखिए, अगर बात की जाए पहले कार्बोहाइड्रेट की, तो एक स्वस्थ और वयस्क व्यक्ति के लिए 400 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें वसा की, तो 70 ग्राम वसा प्रतिदिन एक स्वस्थ और वयस्क व्यक्ति के लिए आवश्यक होती है। अगर इनकी मात्रा घटे या बढ़ेगी तो समस्याएं उत्पन्न होंगी। अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो 90 ग्राम प्रोटीन एक वयस्क और स्वस्थ व्यक्ति के लिए सही मात्रा में आवश्यक होती है। अगर प्रोटीन भी घटता बढ़ता है तो क्वाशियोरकर, मैरेस्मस या फिर हृदय संबंधी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो हमारा आज का विषय क्या रहेगा, ऊर्जा उत्पादक पोषण। तो आइए देखते हैं कि ऊर्जा उत्पादक पोषण में हम सबसे पहले शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट को, और देखते हैं कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार से हमारे लिए आवश्यक है, और सुपर टेट यानी कि शिक्षण भर्ती की आपकी परीक्षाओं में यहां से कैसे प्रश्न बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आइए हम इसको शुरू करें। कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक, तो सबसे पहले हमें कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कुछ जानना होगा। जानने के बाद इसका शाब्दिक अर्थ समझना होगा, और फिर उसके बाद इससे आने वाले प्रश्नों के बारे में चर्चाएं करनी होगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों होती है। जैसा कि मैंने अभी पहले क्वेश्चन करवाया आपको कि कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा उत्पादक है, और ऊर्जा हमारे लिए परम आवश्यक होती है। अगर ऊर्जा की कमी होगी तो हमारे आंतरिक अंग या बाह्य अंग कार्य करना बंद कर देंगे। जैसे हमारा हृदय 24 घंटे पंप करता रहता है, तो इसको 24 आवर पंप करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होगी। हमारे फेफड़े हैं, क्या फेफड़े आराम करते हैं, या हमारा हृदय कहता है फेफड़े से कि फेफड़ा तुम आराम करो, तुम्हें अभी पोषण मिलेगा, पहले मैं पोषण लेकर के पंप कर लूं, ऐसा होता है। या ब्रेन कहता है हृदय से और फेफड़े से, तुम दोनों आराम करो, अभी मैं काम कर रहा हूं, ऐसा होता है? नहीं, हमारे सभी आंतरिक अंग एक साथ एक दूसरे के साथ सही सामंजस्य स्थापित करके कार्य करते रहते हैं। अगर इनमें से कोई भी अंग कार्य करना बंद कर दिया या कार्य करना कम कर दिया तो वह हमारे लिए घातक होता है। तो अगर कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है, पहले इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो कैसे बनता है दोस्तों, ये कार्बोहाइड्रेट बना होता है सैकेराइड से। कैसे बना होता है ये, बना होता है सैकेराइड से, और सैकेराइड को हम कहते हैं शर्करा। क्या कहते हैं, सैकेराइड को हम शर्करा कहते हैं, और इस शर्करा को हम अपनी भाषा में मिठास कहते हैं। यानी अगर देखा जाए कि कार्बोहाइड्रेट का शाब्दिक अर्थ क्या होगा तो आप बताओगे क्या होगा, मिठास होगा। यानी जहां पर भी जिन पदार्थों में, जिन भोज्य पदार्थों में मिठास होगी वहां कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा। क्या मिठास ही कार्बोहाइड्रेट है, ऐसा कहना सही नहीं होगा, क्योंकि कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जो मीठे नहीं होते, जो फीके होते हैं। अगर हम ऐसे कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ध्यान देना आप सभी लोग, सेलुलोज मीठा नहीं होता है, स्टार्च मीठा नहीं होता है,
ग्लाइकोजन मीठा नहीं होता है, लेकिन अगर बात करें माल्टोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, ये सब कैसे होते हैं? मीठे होते हैं। ठीक, तो जहां भी मिठास होगी वहां क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा। अगर बात करें हम कार्बोहाइड्रेट के दैनिक आवश्यकता की, तो मैंने अभी आपसे कहा था कि एक वयस्क व्यक्ति के लिए 400 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आवश्यक होता है, क्योंकि इतनी कार्बोहाइड्रेट से हमको लगभग 1440 कैलोरी से इससे अधिक ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। ठीक, अब देखें दैनिक आवश्यकता होती है कितनी, यह होती है 400 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम। तो दैनिक आवश्यकता अगर इतनी होती है तो हमारी दैनिक ऊर्जा के सोर्स का कितना परसेंट ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से? तो ध्यान देना, रोज की ऊर्जा का 60-70% ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होती है। अभी कितना आवश्यक है इसका अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हो कि 60-70% ऊर्जा जो हमें रोज प्राप्त होती है वो कार्बोहाइड्रेट से ही आती है। आप देखें, लेकिन हाँ, ये रेशियो केवल भारत का है, यह रेशियो केवल हमारे भारत का है। देखिए, अगर हम आगे बात करें कार्बोहाइड्रेट क्या हमारे शरीर में कहीं बनता भी है, क्या कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में कहीं बनता भी है? जी हाँ दोस्तों, बनता है। हम भोजन के रूप में प्रोटीन को भी ग्रहण करते हैं। हमारा यकृत क्या करता है, आवश्यकता पड़ने पर उस प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में बदल करके ग्लाइकोजन के रूप में अपने पास संचित रखता है, और आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा के रूप में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक, यानी प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में बदल करके हमारा यकृत, हमारा लीवर हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक, चलिए, ये तो हो गई दैनिक आवश्यकता कार्बोहाइड्रेट का निर्माण। क्वेश्चन बनता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल से कितनी एनर्जी मिलती। ध्यान देना आप लोग, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी हमें प्राप्त हो जाती है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितनी बार परीक्षा में पूछा गया है। अब क्वेश्चन बन सकता है कि तुरंत ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो अभी जस्ट मैंने इसके पहले ही आपको यह पॉइंट कराया था कि तुरंत ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट होता है। क्विक एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी का स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि यह सरल अवस्था में होता है। हमारे जैसे हमने भोजन किया, कार्बोहाइड्रेट हमारे मुख गुहा में गया, वहां उसका पाचन हुआ, फिर आमाशय में क्या होता है, पाचन होता है, सॉरी आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन होता है। उसके बाद वह कार्बोहाइड्रेट छोटी आंत के विलायक के द्वारा अवशोषित होकर के रुधिर में पहुंचता है, रुधिर से फिर कोशिकाओं में पहुंचता है, तो कोशिकाओं में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का हमारे द्वारा श्वसन प्रक्रिया में ग्रहण की गई ऑक्सीजन से अभिक्रिया में होती है। जैसे कि ये ग्लूकोज C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट है, जब यह हमारी कोशिकाओं में पहुंचता है रुधिर के द्वारा, तो वहां इससे क्या मिलता है? ऑक्सीजन। ये हमने ऑक्सीजन श्वसन क्रिया में ग्रहण की, तो दोनों में रिएक्शन होता है। उसके बाद 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 686 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, और इसी ऊर्जा से हमारे शारीरिक अंग कार्य करते हैं। ध्यान देना, ये कार्बोहाइड्रेट ही है जो हमको ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक, तो इतने पॉइंट्स कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अब एक प्रश्न जो होता है वो बार बार यहां से हमें कंफ्यूज करता है कि कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है, सबसे अच्छा स्रोत। तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा स्रोत होता है मक्का। भाई, मक्के में 88% कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। अगर बात करें मक्का यानी कि मेज, तो मेज के बाद आपका आता है आलू। तो मक्का, चावल, आलू, मीठे फल, दुग्ध उत्पाद यानी जितने भी मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, उन सभी में अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। फिर बात करेंगे हम अंडरग्राउंडेड वेजिटेबल्स की, जैसे शकरकंद जिसको हम कहते हैं स्वीट पोटैटो, या इसके अलावा जिमीकंद, ठीक, या इसके अलावा दोस्तों होता है आलू, इन सब में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में होता है। शहद में कार्बोहाइड्रेट होता है, गन्ने में कार्बोहाइड्रेट होता है, ये सभी क्या है? या फिर इसके अतिरिक्त अनाज, अनाज एक बड़ा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट का। तो सबसे अधिक मक्का, चावल, आलू,
उसके बाद दुग्ध उत्पाद, अनाजों में, गन्ना, चुकंदर में, भूमिगत सब्जियों में, इन सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति में कार्बोहाइड्रेट कम हो गया तो कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है, ऊर्जा का उत्पादन घट जाता है। जब ऊर्जा का उत्पादन घट जाएगा तो शरीर में जो अंग है वो कार्य करना बंद कर देंगे या कार्य क्षमता घट जाती है। अगर मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट बढ़ गया तो क्या होगा, देखिए जो हमारा ब्लड है वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के रूप में ग्रहण करता है। किस रूप में? ग्लूकोज के रूप में। तो अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ेगी तो ग्लूकोज भी बढ़ेगा। अगर ग्लूकोज बढ़ेगा तो मधुमेह यानी डायबिटीज की प्रॉब्लम हमको हो सकती है। तो इसकी अधिकता से डायबिटीज हो सकती है या मोटापा भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के कितने भाग हम बना सकते हैं या इनसे कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स मुख्य रूप से ये बनता है कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन से, यानी कि ये बनता है CHO के अणुओं से। तो विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट में इसका रेशियो अलग अलग होता है, लेकिन हम बताते हैं आपको कि जो कार्बोहाइड्रेट का यूनिवर्सल रेशियो है वो क्या होता है, वो होता है CH2O। ये होता है CH2O, यानी कि एक कार्बन होगा, दो हाइड्रोजन होगा और एक ऑक्सीजन होती है। पुनः क्वेश्चन बनता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है। कुछ नहीं करना, बस H2O होता है, ठीक है। क्या होता है? H2O। देखिए पहला है आपका मोनोसैकेराइड C6H12O6, यहां देखें 6 × 12 तो 2:1 हो गया। फिर C12H22O11 तो 11 × 22 तो 2:1 हो गया। फिर अगला होता है पॉलीसेक्राइड C6H10O5 का होल N, यानी यहां पर क्या हो गया 5 × 10 तो फिर यहां पर भी 2:1। यानी सभी कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 पाया जाता है, ठीक। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में, शिक्षक भर्ती की परीक्षा में आ सकते हैं। अब हम यहां बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट को 3 वर्गों में बांटा गया है, 3 विभागों में बांटा गया है कार्बोहाइड्रेट को। अब इसके 3 विभाग कौन कौन से, देखें जो पहला कार्बोहाइड्रेट है वो बनाया गया है मोनोसैकेराइड्स। ठीक, देखिए मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का अर्थ होता है एक, सिंगल यानी अकेला। तो मोनो और सैकेराइड का मतलब होता है शर्करा। यहां हम समझते पहले अर्थ क्या इसका होगा। देखिए मोनो का अर्थ क्या होता है, इस मोनो का अर्थ होता है सिंगल यानी कि अकेला। अब सैकेराइड का अर्थ क्या होता है, शर्करा, यानी ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो केवल एक ही शर्करा से मिलकर के बना होता है उसे हम कहते हैं मोनोसैकेराइड। उसे हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे मोनोसैकेराइड। अर्थात ये मोनोसैकेराइड है, इसमें केवल सिंगल शर्करा पाई जाती है, ठीक। आप देखें इसके बाद होता है हमारा डाईसैकेराइड। तो डाई का अर्थ होता है 2, तो डाईसैकेराइड्स। डाई का अर्थ क्या होता है, 2, और सैकेराइड का मतलब शर्करा, यानी शर्करा के 2 अणुओं से बनता है डाईसैकेराइड्स। और एक होता है पॉली। देखिए पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, अनेक, तो ये होता है पॉलीसैकेराइड्स। तो मोनो, डाई और पॉली, 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जैसे अगर पॉली की बात करें ना तो पॉली का मतलब होता है अनेक। जैसे हम कहते हैं पॉलीथीन, तो पॉलीथीन कहते हैं, तो पॉली यानी अनेक, एथिलीन अनेकों एथिलीन से पॉलीथीन बना, ठीक। वैसे ये भी है पॉलीसैकेराइड, तो अनेकों शर्कराओं से मिलकर के पॉलीसैकेराइड बनता है। अगर हम बात करें इनमें क्या फॉर्मूला होता है, सबका केमिकल फॉर्मूला, देखिए बहुत ही आसान है। तो पहला मोनोसैकेराइड है
उसमें रेशियो क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:2:1। ठीक, तो C6H12 और O6 ये पहला हो गया। फिर डाइसैकेराइड की बात करेंगे तो C12H22O11, यानी कि यहां पर 1:2:1 का जो रेशियो बन रहा था वो यहां पर नहीं बन पाता है, यहां बनता है CH2O। फिर देखें अगला वाला है पॉलीसेक्राइड, तो होता है C6H10 और O5। C6H10O5 का होल N होता है, का होल N, और होल N का मतलब होता है अनेकों अणु, अनेकों अणु। अब देखें, अब हम बात करेंगे इनको कितने भागों में और डिवाइड किया गया है। देखिए, तो अगर हम बात करें तो इसमें दोस्तों पहला, जो इसमें पहला हमारा होता है वो होता है डेक्स्ट्रोज, और डेक्स्ट्रोज से ही आपके प्रश्न बनते हैं। डेक्स्ट्रोज, ठीक, तो पहला इसमें क्या है, पहला होता है डेक्स्ट्रोज। इसके बाद टेट्रोज होता है, टेट्रोज से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। और इसी में एक होता है आपका जो है इरेथ्रोज होता है, तो वहां से क्वेश्चंस नहीं बन सकते हैं। क्वेश्चंस कहां से बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं डेक्स्ट्रोज से। तो डेक्स्ट्रोज, मैनोज या इरेथ्रोज, ग्लिसरलडिहाइड, ये सभी क्या होते हैं, मोनोसेकेराइड होते हैं। लेकिन हमें यहां देखना है कि क्वेश्चन कहां से बनता है, क्वेश्चन बनता है डेक्स्ट्रोज से। डेक्स्ट्रोज तीन प्रकार का होता है, इसमें पहला होता है ग्लूकोज। पहला क्या है, पहला है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज क्यों हमारे लिए आवश्यक है, कैसे ग्लूकोज से हमको ऊर्जा मिलती है, तो बहुत सारे प्रश्न यहां ग्लूकोज से आते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम बातें करेंगे ग्लूकोज के बारे में। इसमें ग्लूकोज है, उसके बाद क्या होता है, फ्रक्टोज है, और फिर गैलेक्टोज है। तो तीन कार्बोहाइड्रेट होते हैं आपके मोनोसैकेराइड्स के अंदर। ठीक, तो मोनोसैकेराइड सिंगल अणु है, डाइसैकेराइड दो अणु है, पॉलीसैकेराइड अनेकों अणु है। तो आइए देखते हैं पहले हम ग्लूकोज क्या है, इसके बारे में प्रश्न कैसे आ सकता है। तो बात करेंगे यहां पर हम लोग पहले कार्बोहाइड्रेट की, जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज। तो सबसे पहली बात, ये सोर्स ऑफ क्विक एनर्जी है, सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी, यानी इससे हमें तुरंत ऊर्जा मिल जाती है। देखिए, जब कोई खिलाड़ी थक जाता है, जब कोई व्यक्ति थक जाता है, तो तुरंत ऊर्जा के लिए वो ग्लूकोज का ही सेवन करता है। ग्लूकोज के उपभोग से उसको तुरंत ऊर्जा मिल जाती है, इसको हम कहते हैं सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी। फिर देखें कि सबसे अधिक ये होता कहां पर है, सबसे अधिक होता है ये अंगूर में। इसको हमने नाम दिया हुआ है ग्रेप शुगर, इसको हम कहते हैं ग्रेप्स शुगर। क्यों, क्योंकि सबसे अधिक मात्रा में कहां होता है, अंगूर में होता है। उसके बाद ये मक्के में भी होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉर्न शुगर। तो मक्के में होने के कारण इसे हम कॉर्न शुगर भी कहते हैं। उसके बाद दोस्तों, जो हमारा ब्लड है, हमारे ब्लड में कौन सा कार्बोहाइड्रेट मिला होता है, सोचिए रुधिर में कौन सा कार्बोहाइड्रेट मिला होता है। अगर रुधिर की बात की जाए तो रुधिर में माल्टोज नहीं होता है, सुक्रोज नहीं होता है, ग्लाइकोज नहीं होता है। हमारे ब्लड में क्या होता है, यही ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज के घटने और बढ़ने से मधुमेह की समस्या होती है। तो अगर ग्लूकोज की बात की जाए तो दोस्तों, ग्लूकोज हमारे ब्लड में होता है, तो इसको हम कहते हैं ब्लड शुगर, इसको हम ब्लड शुगर भी कहते हैं ग्लूकोज को। ठीक, तो ग्लूकोज को हम ब्लड शुगर भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है या क्वेश्चन परीक्षाओं में आया भी हुआ है कि ग्लूकोज किसको हम ब्लड शुगर कहते हैं, तो ग्लूकोज को हम ब्लड शुगर कहते हैं। ध्यान देना, ये सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी है, इससे तुरंत ऊर्जा मिलती है, क्योंकि यह हमारी कोशिकाओं में घुल करके तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। इसको हम कहते हैं तुरंत ऊर्जा का स्रोत, या फिर इसको कहेंगे ग्रेप शुगर क्योंकि अंगूर में होता है, इसे कहेंगे कॉर्न शुगर क्योंकि मक्के में होता है, इसे कहेंगे ब्लड शुगर क्योंकि हमारा ब्लड इसी को अवशोषित करता है और किसी को अवशोषित नहीं करता। और अगर इसके बाद बात की जाए तो इसके बाद क्या होता है, नंबर सेकेंड होता है फ्रक्टोज, फ्रूट, फ्रक्टोज। ठीक, तो दोस्तों
फ्रक्टोज फ्रूट होता है। देखिए जब हम फलों को जब जब फल प्राकृतिक रूप से पेड़ों पर पकते हैं और जब हम उन फलों को खाते हैं तो वो फल अत्यंत मीठे होते हैं, बहुत मीठे होते हैं, क्योंकि वो फल पकते हैं इस फ्रक्टोज के कारण। यानी फल जो पकते हैं वो पकते हैं एथिलीन हार्मोन से, लेकिन उन फलों में जो मिठास होती है वो फ्रक्टोज के कारण ही होती है। और इसीलिए इसे हम प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठी शर्करा भी कहते हैं। हम लोग टेबल शुगर खाते हैं, चीनी हमारी चीनी से लगभग 250 गुना मीठी होती है फ्रक्टोज। अगर बात करें फ्रक्टोज कहाँ होती है तो ध्यान देना, ये होती है मीठे फलों में या फलों में मीठेपन का कारण होती है फ्रक्टोज। इसके अलावा कहाँ होती है, इसके अतिरिक्त यह होती है शहद में। शहद में भी यह प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा कौन है, यह है फ्रक्टोज। और ध्यान देना, इसका प्रयोग सिरप में होता है या फिर टॉफी में होता है, चॉकलेट में होता है, इन सब में इसका प्रयोग होता है। और यदि इसके बाद की बात की जाए तो जो अगला हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो क्या होता है, नंबर 3 वाला, वो है गैलेक्टोज। तो ध्यान देना, गैलेक्टोज की आवश्यकता हमें नहीं होती, लेकिन फिर भी जब ग्लूकोज और लैक्टोज, ध्यान देना, जब ग्लूकोज प्लस लैक्टोज जब दोनों मिलते हैं तो इनके मिलने से क्या बनता है, गैलेक्टोज बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब हम आएंगे डाइसेकेराइड की ओर। जैसा कि नाम लिखा गया है डाइसेकेराइड, भाई नाम है डाइसेकेराइड तो जाहिर सी बात है कि डाइसेकेराइड है तो इसमें दो अणु होंगे। दो अणु कौन कौन से होंगे, इसके बारे में चर्चा हमें करनी है। तो देखिए दो अणु कौन कौन से होते हैं, पहला होता है इसमें लैक्टोज, पहला होता है लैक्टोज। अगर लैक्टोज की बात की जाए तो ये बनता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से क्या बनता है दोस्तों, लैक्टोज बनता है। जहां लैक्ट का नाम आता है तहां हम कहते हैं दूध, है ना। तो ध्यान रहे दूध में मीठेपन का कारण क्या होता है, यही लैक्टोज है। लैक्टोज से क्या होता है, दूध मीठा होता है। तो दूध में मीठेपन का कारण क्या है, लैक्टोज। और ध्यान देना, एक जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस जीवाणु इस लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में चेंज कर देता है। तो जहां हमने इसको बोला ग्रेप शुगर, इसी को बोला हमने कार्न शुगर, इसे हमने कहा ब्लड शुगर, वहीं हमने फ्रक्टोज को बोला फ्रूट शुगर, ठीक, या इसको हमने बोला हनी शुगर यानी कि शहद की शर्करा, वहीं हम इसको कहते हैं मिल्क शुगर यानी दूध की शर्करा। ध्यान देना, तो ये दूध में मीठेपन का कारण है। और अगर हम दूध की बात करेंगे तो दोस्तों दूध में बहुत सारे पॉइंट बनते हैं। जैसे पूछता है कि दूध में मीठापन क्यों होता है, तो लैक्टोज हो गया। दूध में खट्टापन क्यों होता, तो लैक्टिक अम्ल हो गया। और दूध में सफेद रंग क्यों होता, तो केसिन हो गया। और दूध में पीला रंग, तो फास्फोरस और कैरोटीन हो गया। दूध में कड़वापन क्यों होता, तो कैरोटीन से कड़वापन भी होता है। और अगर पूछता है कि दूध का पीएच मान कितना है, तो 6.4 एग्जैक्ट होता है। दूध में जल की मात्रा तो 87.7% होती है। दूध में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 4.9% होती है। दूध में प्रोटीन की मात्रा दोस्तों पूछता है तो 3.4%। और दूध में विटामिन की मात्रा, तो ध्यान रहे 3.3%। और दूध में मिनरल्स की मात्रा 0.7% होती है। और ध्यान रहे यही से क्वेश्चन बनता है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता, तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, ठीक। चलिए यह हो गया दूध में मीठेपन का कारण। और इसके बाद दूसरी जो कार्बोहाइड्रेट है वो होती है सुक्रोज। अगली क्या है, अगली है सुक्रोज। सुक्रोज बनती है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बनती है सुक्रोज। सुक्रोज प्राकृतिक रूप से गन्ने और चुकंदर में पाई जाती है। इसे हम कहते हैं सुगर ऑफ सुगर केन यानी गन्ने की शर्करा। तो सुगर ऑफ सुगर केन किसको कहते हैं, हम कहते हैं सुक्रोज को। सुक्रोज से हमें दो चीजें प्राप्त होती हैं। जैसे पहला हमको प्राप्त होता है सिरका। सिरका कैसे मिलता है, सिरका प्राप्त होता है सुक्रोज से जब एसेटोबैक्टर एसेटी नामक जीवाणु,
ध्यान रहे एसेटोबैक्टर एसेटी नामक जीवाणु जब इस गन्ने के रस को सलाता है तो वह सिरका में बदल जाता है और सिरके में एस्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इस बात को आप भली भांति नोट कर लीजिए। इसके बाद इससे कुछ और प्राप्त होता है और वो क्या है, वो है एल्कोहल। और एल्कोहल कैसे बनता है, एल्कोहल बनता है एक ईस्ट के माध्यम से, एक कवक के माध्यम से, सैक्रोमाइसिस सेरेबीसी नामक खमीर नामक ईस्ट जब इस गन्ने के रस को सलाती है तो उससे क्या बनता है, एल्कोहल प्राप्त होता है। इस बात का आप ध्यान देना, ठीक। अब देखें इसके बाद जो अगला कार्बोहाइड्रेट है डाइसैकेराइड वो क्या है, अगला है माल्टोज। तो भाई माल्ट का मतलब होता है अनाज, यानी माल्ट का मतलब होता है मिलेट और मिलेट का मतलब होता है अनाज। तो जो माल्टोज है ये अनाजों की शर्करा है, यह जौ में गेहूं में बहुत प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, इसका बहुत ही व्यापारिक महत्व है। जैसे एल्कोहल उद्योग में माल्टोज का बहुत महत्व है क्योंकि इसी से बियर विस्की या अदर वाइन जो बनती हैं ये माल्टोज से ही बन पाती हैं। अब माल्टोज कैसे बना है, माल्टोज बना है ग्लूकोज के दो अणुओं से, ग्लूकोज प्लस, ग्लूकोज से क्या बनता है, इससे बनता है माल्टोज। ग्लूकोज और ग्लूकोज से क्या बनता है, माल्टोज बन जाता है। और यही है गरीबों की शर्करा, क्यों, क्योंकि हमें सबसे अधिक मात्रा में अनाज ही प्राप्त होता है, इसको अनाजों की शर्करा, इसे माल्ट सुगर गरीबों की शर्करा भी कह सकते हैं, इसी से एल्कोहल प्राप्त होता है। ध्यान रहे माल्टोज एक सरल शर्करा है, सिंपल शुगर है, क्लियर। तो दोस्तों ये रहा आपका डाइसैकेराइड। अब हम बातें करेंगे आपसे आगे पॉलीसैकेराइड पर कि पॉलीसैकेराइड क्या होता है। देखें अगर पॉलीसैकेराइड की बात की जाए, अगर बात की जाए पॉलीसैकेराइड की, इसमें जो पहला होता है वो है सेलुलोज। पहला दोस्तों क्या है, पहला है सेलुलोज, प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज। यह एक जटिल शर्करा है और यह कैसी है, इसमें मिठास नहीं होती, यह फीकी शर्करा है। कैसी है, फीकी है। ध्यान देना जंतुओं में अनुपस्थित, पौधों में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, क्लियर। हम लोग सूती कपड़े पहनते हैं, सूती कपड़े का मुख्य घटक क्या होता है, यही तो है सेलुलोज। और ध्यान रहे हमारे अंदर इसका पाचन नहीं होता, क्यों, क्योंकि यह प्राकृतिक रेशा है और रेशे को पचाते हैं कौन, केवल जंतु, यानी हमारे अंदर इसका पाचन नहीं हो पाता क्योंकि हमारे अंदर इसे पचाने वाला एंजाइम तो है ही नहीं है। अब वो एंजाइम कौन सा है, वो है सेलुलेंस एंजाइम जो इसका पाचन करता था। जब मनुष्य केवल शाकाहारी था तो पाचन क्रियाओं में अपेंडिक्स के थ्रू इसका पाचन होता था, लेकिन अब क्या है, अब मनुष्य सर्वाहारी है तो अपेंडिक्स भी अवशेषी अंग हो गया है और इसका पाचन भी नहीं हो पाता, ठीक। सेलुलेंस के अभाव में इसका पाचन हमारे शरीर में नहीं हो पाता है, क्लियर। तो पौधों की कोशिका भित्ति में सेलुलोज, ठीक, सबसे अधिक मात्रा में सेलुलोज, प्राकृतिक रेशा क्या है, सेलुलोज। चलिए अब इसके बाद बातें करेंगे दूसरा क्या होता है भाई, अगला होता है स्टार्च। अगर हम स्टार्च की बात करें तो भाई स्टार्च कहाँ होता है, स्टार्च पौधों की पत्तियों में इस पौधे के भोजन के रूप में संचित रहता है। यानी कि जब सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधा जल और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन बनाता है तो ग्लूकोज के रूप में बना हुआ भोजन इन्हीं पत्तियों में, यानी पहले ग्लूकोज क्या होता है, सिंपल सुगर, और जब बहुत सारे ग्लूकोज इकट्ठा होते हैं तो क्या बनता है, जटिल शर्करा यानी स्टार्च। यही स्टार्च पौधों के भोजन के रूप में इसमें संचित रहता है। और एक ऊतक होता है पौधों में, टिश्यू, फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, इस भोजन को पौधे के पूरे भागों में संवहित कर देता है, पहुंचा देता है, ठीक। तो दोस्तों ये स्टार्च है, सबसे अधिक मात्रा में पेड़ पौधों में होती है, अनाजों में होती है, पत्तियों में होती है, और यह भी पौधों में पाई जाने वाली मुख्य शर्करा है। हम लोग कैप्सूल खाते हैं तो कैप्सूल का जो आवरण होता है ना, उसके अंदर मेडिसिन भरी होती है, तो कैप्सूल का जो आवरण होता है कोट उसका, जिसको हम कहते हैं संपुट,
वो कैसे बनता है भाई? वो भी बना होता है स्टार्स का, वो भी स्टार्स का बना होता है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। क्लियर? आप देखें इसके बाद अगला है नंबर 3 सेल्यूलोज, सॉरी तो हो चुका है, अगला है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, अब ग्लाइकोजन क्यों आवश्यक है, ग्लाइकोजन कैसी कार्बोहाइड्रेट है? यह केवल जंतुओं में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट है, यह पेड़ पौधों में नहीं पाई जाती। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व यह है कि इसका संचय हमारी मांसपेशियों में और हमारे यकृत में होता है, हमारे लीवर में होता है। जब कभी हमें ऊर्जा की जरूरत होती है, जब कभी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो यही ग्लाइकोजन को हमारा यकृत ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और ऊर्जा प्रदान कर देता है। ये रहा ग्लाइकोजन का महत्व। इसके अलावा दोस्तों सैक्रीन होती है, डेक्सट्रीन होती है। सैक्रीन और डेक्सट्रीन ये दोनों कृत्रिम कार्बोहाइड्रेट है, जिसका प्रयोग मधुमेह रोगियों के लिए होता है। अगर हम, आप सोचिए, अगर मधुमेह रोगियों को हम ये कार्बोहाइड्रेट दें मोनोसेकेराइड, ठीक, तो उन्हें फायदा होगा, कि हम उनको पॉलीसेकेराइड दें तो उन्हें फायदा होगा। सोचिए आप लोग, मधुमेह रोगियों के लिए कौन सी कार्बोहाइड्रेट फायदेमंद है, मोनोसेकेराइड की पॉलीसेकेराइड्स? इस बात का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए दोस्तों। और आपको ऐसे ही क्लासेस मिलेंगी, और इसी तरह से क्लासेस लेने के लिए आप जो है या हमारे सुपरटेट की बैच से ज्वाइन होने के लिए आपको एंट्री सुपरटेट या एंट्री एस्टेट लिख करके दिए गए 9125-4239 और 36 नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एडमिशन प्रोसेस के बारे में बहुत ही आसान तरीके से जानकारियां प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों हमारी क्लासेस इससे भी अच्छी शानदार तरीके से चलती हैं, तो एक बार आप अवश्य ज्वाइन करें। आज के लिए मैं कार्बोहाइड्रेट लेके आया था, फिर मिलते हैं अगली क्लास में पोषण के अगले चैप्टर के साथ। तो दोस्तों सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।